Ladies and men, right now I'm sitting here with Bilqis. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है. ठीक ठाक हैं? यहाँ कब से हैं? यहाँ मैं 83 से. जी 83 से. 83 से? क्या कहानी क्या है आपकी? कहानी ये है कि मियाँ ने तलाक दी थी. मियाँ ने तलाक दी थी? भाई के घर छोड़ गया था. फिर उसके बाद? इसके बाद मैं इधर. बच्चे हैं? हाँ, तीन चार लड़के थे, एक लड़का पोत हो गया, तीन है. तो कहाँ है वो? अपने घरों में शादी शुदा है. बच्चे अपने घरों में है तो आपको लेके नहीं, क्यों नहीं जाते? नहीं, हमको इसलिए नहीं लेके जाते कि मेरा मियाँ बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं संभालूंगा तुमको, बहुओं को, बच्चों को, पोतों को. तेरी माँ नहीं चाहिए, तलाक दी. नहीं, आपके बच्चे तो बड़े बड़े हैं ना, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो अब तो उनको आपको संभालना चाहिए. तो आते हैं ना मिलने के लिए. मिलने के लिए आते हैं? कब कब आते हैं? ये आते ईद के रोज आते हैं. ईद ही होती है ना? साल में एक दिन? साल में दो मरतबा आते हैं. साल में ईद और बकरीद पे आते हैं? कभी उनके घर जाती हैं आप? कब जाती हैं? बस वो लेके जाते हैं तो चली जाती हूँ उनके घर पे, पर रात नहीं रुकती, बस एक दिन मुलाकात करके आ जाते हैं, मिल के आ जाते. तो कितने कितने दिन मुलाकात के होते हैं साल में? कितनी कितनी दफा होती है? दो मरतबा. बस ईद के दिन? ईद के दिन आते हैं, वो आपको लेके जाते हैं, इसके बाद जाहिर फिर आप वापस आ जाती हैं. क्या नाम है आपके बच्चों का? बच्चों का नाम गुलाम अब्बास. गुलाम अब्बास और अली अकबर. अली अकबर और काजिम रजा. काजिम रजा. और ये लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर की दुकान है. कंप्यूटर की दुकान है इनकी. कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग एक गुलबक में, एक जन्नबिया में और एक सोल्जर बाजार. एक सोल्जर बाजार में. तो जाहिर है आप अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती हूँ. बहुत प्यार करती. याद आते हैं? याद आते हैं ना. तो उनके बच्चे हैं? हाँ, उनके बच्चे. एक के बड़े वाले बेटे की या तीन लड़की पोतियाँ हैं मेरी. एक दूसरे बेटे की एक पोता एक पोती है. दो तीसरे बेटे की दो पोतियाँ हुई. कोई मैसेज देना चाहती हैं अपने पोतों को, अपने बच्चों को, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कहना चाहते हैं कि दादी बहुत याद करती है. मैंने जब इनसे पूछा कोई मैसेज है तो कहने लगी कि दादी बहुत याद करती हैं, उनको बता देना, बस यही मैसेज है. मैं मुझे नहीं पता आप लोग ये देखेंगे या नहीं देखेंगे. मुझे नहीं पता कि आपको मेरी किसी बात का असर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, अगर मुमकिन हो और अगर आपके लिए पॉसिबल हो और आप ये समझते हैं कि जो माँ 9 महीने कोख में रखती है उसका कोई ना कोई हक तो होता है, तो आप यहाँ से आके इनको लेके जाएं. क्योंकि यू नो जिंदगी में सब कुछ मिल जाया करता है, हर चीज़ दोबारा बना लेते हैं. पैसा खो जाए वो आपको मिल जाता है, कभी कभी इज्जत भी वापस आ जाती है. बट आई टेल यू, एक बार अगर माँ खो जाए तो माँ नहीं मिलेगा. आप लोग अपनी अपनी जिंदगियां शुरू कर चुके हैं, खुदा रहम कीजिए. आइए अपनी माँ का हाथ थामिए और उनको यहाँ से लेके जाइए. और भाई, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आप बुरा समझ लें, उस पर आप गुस्से हो जाए, लेकिन आप अपनी मदर को यहाँ से ले जाए. मैं रेहाना बेगम के साथ हूँ. एक और कहानी है, एक और बात है, आइए मिलवाता हूँ आपको. सलाम अलैकुम.
वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? सही है, पैरों में तकलीफ रहती है। अच्छा। और मेरे मैं भी गई थी घर, मुझे घर से निकाला था बेटी ने, कहती है बुढ़िया मरती नहीं, मर जाती तो अच्छा था। मेरी सिस्टरों ने डॉक्टरों ने बहुत सपोर्ट करी, जिसमें उनकी मोहब्बत में आप लोगों की मोहब्बत में दोबारा गई थी तो आ गई थी। मुझे धक्के मार के गिरा के मुझे मारा उन लोगों, बड़ी बेटी ने शाजिया ने, लिहाजा में परेशान 5 दिन गई रही। तो 5 दिन में यहाँ जब निकाला तो मेरे को भूखा प्यासा निकाल दिया, मैं ही आई तो वो चीज़ नहीं थी जो डॉक्टर हमारे बहुत ख्याल कर रहा था। मैं दोबारा यहाँ आ गई इलाज में, अपनी इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत तो किसी को बुरी नहीं लगती ना, बेइज्जती पसंद होती। हम अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह उसमें राजी है। आपकी बेटी ने आपसे ये कहा? जी शाजिया ने, कि बुढ़िया मरती भी नहीं, मर जा। मेरे को मुँह धो रही थी बेसन पे, घर में धक्का दिया, मैं पीट के भर गई तो कुत्तों की तरह घसीट के मुझे बाहर अंदर ही टाल दिया इन लोगों ने। फिर मेरे को रक्षा मंगाया, मैंने यहाँ 4:30 बजे रक्षे पर बैठी तो 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। मैं अकेली तनहा, कोई भी था सिवाय अल्लाह की ज़ात। मुझे अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे भरोसा है कि मेरी बिगाड़ी है तो अल्लाह ही बनाएगा। मेरी सिस्टरों, मेरी डॉक्टरों ने मेरी बहुत मदद की है, अल्लाह इनको अजर देगा। आप लोगों ने मुझे खिदमत का मौका दिया है, लिहाजा आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगी। आप मेरे तामून करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मेरी ज़िंदगी मौत आप लोगों के हाथ है। जो कुछ करता है अल्लाह बेहतर करता है। मेरे शौहर को मरे हुए 6 साल हो गए, 6 साल में मैंने अल्लाह से मांगा, इंसानों से नहीं मांगा। जिस बेटी ने 2000 रुपये रखे उसने 1 रुपया नहीं दिया, बगैर नाश्ते पानी के निकाला मुझे घर से। अभी मैं गई थी, मेरा दिल चाहता मैं सिर्फ पान की शौकीन हूँ, पान खाती हूँ, वो भी मुझे नहीं मिला तो मेरे को परेशानियाँ थोड़ी सी। आप लोगों के होते हुए मेरे को बहुत मदद है, अल्लाह मेरी डॉक्टरनी को सेहत दे, परवरदिगार मेरी सिस्टर। आप लोगों को मौका दिया है तकलीफ का, उसकी मैं माजरत चाहती हूँ। बाप न भाई न बहन हिना को समझती हूँ, अपनी बेटियों की तरह डॉक्टरों ने बहुत मेरा साथ दिया। दो बेटे ने मुझे मारा, दो बेटे बहू ने मुझे मारा पटक पटक के। तो मजबूरी है, तो मेरी वो बात नहीं है पहले के जैसी। मैं तो अल्लाह अल्लाह करती बेटा, यहाँ से पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अपनी डॉक्टर के लिए, अपने सिस्टरों के लिए दुआ खैर हिना के लिए मांगती हूँ, अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं सोचूंगी अल्लाह ताला मेरा करेगा। मैं बहुत दुख प्यार हूँ, आप लोग मुझे खिदमत का मौका देते हैं, मेरा कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा। तो आप बेटी या बेटों के पास जाना चाहती हैं? मैं गई थी 5 दिन के लिए, 5 दिन भूखा प्यासा निकाल लिया बहू ने। तो आप नहीं जाएंगे उनके पास? जाती हूँ, बस ऐसे ही जाती हूँ। मिलती हैं उनसे जाके? मिली थी मैं 9-10 महीने बाद। 10 महीने बाद? 11 महीना लग गया, 11 महीना चल रहा है। तो आए ना जाती हूँ, अपने डॉक्टर की इज्जत बढ़ाती हूँ, सिस्टरों की, मुझे वहाँ बहुत अच्छी मेरी देखभाल है, चेयर है, मैं वहाँ खुश हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को इंटरव्यू दिया था कि मेरे मरना जीना आप लोगों के हाथ है, आप मेरे बेटे। मेरी वो इज्जत नहीं रही, मुझे सब लगे मैं भाग गया हूँ, मैं किसी का
यहाँ से कबाब अगर तुम लोग भेजोगे तो पैरों में तो नहीं बैठती हूँ, मैं भूखी बैठी रहूंगी, किसी से मांगूंगी नहीं अल्लाह के सिवा। जो कुछ करता अल्लाह बेहतर, मेरा शौर था तो मेरी इज्जत थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस यही एक छोटी सी कहानी। दो बेटे हैं, एक बेटी है, पांच बेटियां और दो बेटे। और हैरत की बात यह है कि अपने बच्चों को भी यकीन दिलाया जाता है कि यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुओं ने पटक पटक के मारा। मैं शायद ये बात कभी नहीं समझ पाऊंगा और ना मुझे कोई ये बात समझा सकता है। वो कौन सी मजबूरी हुस्न, दुनिया की कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। और अगर कोई औरत मुझे आके ये बताए आप कैसे किसी भी औरत को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो आपकी माँ पे हाथ उठा सके, कैसे देते हैं इस बात की इजाजत? ये हाथ देखिए इन हाथों। मैंने मैट्रिक में एक नज़्म पढ़ी और नज़म ये थी कि माय ब्यूटीफुल हैंड्स, इन हाथों ने आपको खाना खिलाया है, आपके लिए रोटियां बनाई, जब आपसे कुछ नहीं हो सकता था तब ये हाथ आ। क्या सोच रहे हैं? What are you thinking? उस नजम में था कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो ये हाथ मुझे खाना खिलाया करते थे, मेरे कपड़े साफ किया करते थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई तो वो मेरी दोस्त बन गई। अब मुझे पता है कि याद बूढ़े हो गए, इनमें झुर्रियां आ गई और थोड़े दिन के बाद ये हाथ मनोमट्टी के नीचे सो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है जब कयामत का दिन होगा और मैं वहां उठूं तो मैं अपनी माँ को पहचानूं। मैं 14 साल अम्मी का मैं था और मैं ये नहीं समझ सका कि रिश्ते क्या होते। अपने मुल्क आया था तो मैंने समझा था, ये मदन दे। And you know, the funny thing is, ये मुसलसल मुझे कह रही है कि तुम ना रो, इनको मेरे आंसुओं की फिक्र है, मेरे आंसुओं की फिक्र है, मैं इनका कुछ नहीं लग, मैं इनके पेट से। और आप किसी को इस बात की इजाजत देते कोई अपनी माँ पे हाथ उठा सके? आई एम सॉरी पर आप दुख इस बात का नहीं है कि ये अकेले
अफसोस इस बात का है कि एक दिन आप अकेले रह जाएंगे और मैं आपको बता दूं आपसे कोई इंटरव्यू भी नहीं लेगा क्योंकि इट्स अ मैरी गो राउंड। आप जो करते हैं ना वो आपके सामने आता है। आई रिक्वेस्ट यू, मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ है। और ये मत समझिएगा कि मैं रोया हूं तो मैं किसी दुख की वजह से रोया हूं, मैं गम नफरत और गुस्से की वजह से रोया हूं क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि रिश्ते क्या होते। अगर रिश्तों की हकीकत ये है कि एक माँ को यहां छोड़ दिया जाए तो वो रिश्ता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने अंदर झांकी, अपने दिल में झांकी और यहां से इनको वापस लेके जाइए। पढ़ना यू नो एक दिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और आपको बस कुछ नहीं बचेगा।